अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन थ्री इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, गिव द प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड इन्वॉल्व इन द यूज। थ्री इंपॉर्टेंट यूजेस बताने हैं आपको नाइट्रिक एसिड के, तो एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट यूज हो जाएगा आपका नाइट्रिक एसिड का टू प्योरीफाइड गोल्ड। गोल्ड के को प्यूरिफाई करने में हम नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। नाइट्रिक एसिड की हेल्प से एक्वारेजिया का फॉर्मेशन होता है एंड वही एक्वारेजिया बाद में जो गोल्ड के अंदर जो है डिसॉल्व इंप्योरिटीज रहती हैं उनको सॉल्व करने का काम करता है। दूसरा होता है, ये आपका यूज होता है रॉकेट फ्यूल ऑक्सीडेंट के रूप में भी नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। तो दूसरा यूज इसका हो जाएगा रॉकेट फ्यूल ऑक्सीडेंट तीसरे अगर यूज की बात करेंगे तो आपका जो नाइट्रिक एसिड होता है वो अपने अंदर काफी ज्यादा मेटल्स को डिसॉल्व कर पाता है, एग्जांपल के तौर पर कॉपर एंड फॉस्फेयर को, तो उसके ऊपर डिजाइनिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो डिजाइन ऑन कॉपर, तो ये तीन इंपॉर्टेंट यूजेस हो गए आपके जो है नाइट्रिक एसिड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस्ड इक्वेशन द ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है उसका ब्राउन रिंग टेस्ट आपको जो है एक्सप्लेन करना है। ब्राउन रिंग टेस्ट में होता क्या है कि फेरस सल्फेट एंड नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन में जब हम H2SO4 कंसेंट्रेटेड मिक्स करते हैं तो वहां पर जहां मिक्सिंग पॉइंट होता है एक जो है ब्राउन कलर का रिंग का फॉर्मेशन होता है जिसका जो है केमिकल नेम होता है नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। वो जो नाइट्रोसो फेरस सल्फेट की ब्राउन कलर की रिंग होती है वही बताती है कि यहां पर नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में। तो वहां पर रिंग कुछ इस टाइप से बनती है, वहां पर आपका जो है FeSO4 रहता है फेरस सल्फेट एंड HNO3 एंड आपका H2SO4 मिक्स होने के बाद NO का फॉर्मेशन करता है। ये आपस में जो है मिक्स होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाता है FeSO4 into NO। इसी को नाइट्रोसो फेरस सल्फेट के नाम से जाना जाता है एंड यही वो ब्राउन कलर का कंपाउंड होता है जो कि फॉर्म होता है वहां पर जो मिक्सिंग पॉइंट होता है दोनों का। तो ये होता है आपका ब्राउन रिंग टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद कॉपर टू फॉर्म। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है कॉपर के साथ रिएक्ट करने के बाद किस चीज का फॉर्मेशन करता है आपको बताना है। तो आपका कॉपर जो होता है वो नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है यानी कि Cu का रिएक्शन आपका जब होता है HNO3 के साथ तो वहां पर फॉर्मेशन आपका हो जाता है NO2 का यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का। तो वहां पर यहां पर जो आंसर हो जाएगा फिर इन द बैंक्स में वो हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन विद कॉन्क HNO3। कॉन्क HNO3 जो है ऑक्सीडेशन लिखना है आपका कार्बन का। तो रिएक्शन कुछ इस टाइप से हो जाएगा, कार्बन जब आपका रिएक्ट करेगा कॉन्क HNO3 के साथ तो तीन चीज का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा ऑक्सीडेशन के बाद, साथ ही साथ आपका जो है वाटर का फॉर्मेशन होगा एंड साथ ही साथ आपका जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा NO2 का। अगर इसको बैलेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे तो यहां पर ये 4 हो जाएगा, ये आपका 2 होगा एंड ये आपका 4 हो जाएगा। यहां पर जो है कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सब बैलेंस फॉर्म में हो गए, तो ये हो गए आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट टू रिलेवेंट ऑब्जर्वेशन फॉर लेड नाइट्रेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन अ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब। लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को अगर हम हीट करेंगे ग्लास ट्यूब के अंदर तो क्या ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलेगी, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। अगर हम लेड नाइट्रेट की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला आपका बनता है PbNO3 twice। इसको जब हम हीट करेंगे आपका जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर तो यहां पर जो है सबसे पहले जो है PbO का फॉर्मेशन होगा। PbO यानी कि लेड ऑक्साइड, ये एक येलो कलर का जो है फ्यूज मटेरियल होगा ग्लास ट्यूब में हमें मिलेगा। इसके अलावा फॉर्मेशन हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का एंड साथ ही साथ ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। तो अगर दो ऑब्जर्वेशन की बात की जाए तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये होगा कि ये येलो कलर का लेड ऑक्साइड हमें मिलेगा एंड दूसरा ऑब्जर्वेशन ये हो जाएगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा यहां पर।